आका जी दिल की आस भी तुम ही हो। जा जिंदगी मदीने से, जो के हवा के ला, शायद शायद हुजूर हमसे खफा है मला के ला। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह ताला की रहमत और बरकत और इस उम्मीद के साथ के आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग, दिस इज मिस्टर जमशेद मंजूर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और आपको हम सब की तरफ से बहुत बहुत जुमे की मुबारकबाद। आज जुमातुल मुबारक है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और ख़ास तौर पर हम भी आपके लिए दुआगो हैं। अल्लाह पाक आप पर करोड़ों हर रहमत और बरकतों का नज़ूल फरमाए। आप भी हमारे लिए बहुत सारी दुआओं की दरख्वास्त है, बहुत सारी दुआ किया करें, ठीक है जी। पहुँच चुके हैं जी कॉलेज में। आज का मौसम बहुत शानदार है, अस्सू की बारिशें शुरू हो चुकी है। उन अस्सू की ये कईयों ने तो बताया, ठीक है। तो अब कॉलेज में पहुँच चुके हैं इंशाल्लाह ताला, बाकी भी डिटेल आपसे जरूर डिस्कस करूँगा। नाश्ते के लिए नान लेने आए हैं, अभी नान दिखाएंगे व्यूअर्स को कैसे हैं आपके नाश्ता। आज तो बुलंद है ये पूरी, बस ये देखें माशाल्लाह नान भी, कलवंजी भी है इसमें, इसके ऊपर घी लगाएंगे। देखें ये जी कौन सा घी, देसी घी, वेरी गुड, लगा रहे हैं। हाँ जी ये हमारे नान, ओके जी। यार क्या बात है, अचारी चिकन उस्ताद जी दी ग्रेट, माशाल्लाह नाश्ता चेक करें हमारा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मौसम बहुत ही अच्छा है, यानी कि अब गर्मी का जो एहसास है ना वो कम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा को मैंने आपको बताया है कि आज जुमातुल मुबारक है, इंशाल्लाह ताला जुमा अदा करेंगे इंशाल्लाह अपने दोस्तों के साथ जाकर इंशाल्लाह ताला। ये देखें जी हैं, ये देखें जी गार्ड साहिबान, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, ठीक हैं, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा आप इस पर्सन को तो जानते हैं। हम बाहर जा रहे हैं, मैं पिला रहा हूँ बोतल इंशाल्लाह ताला, बेहतर नहीं कहना। जुम्मे की तैयारी है जी, जुम्मा पढ़ने जा रहे हैं, आप भी ज़रूर पढ़िएगा जुम्मा। देखो जी मुंडे डॉक्टर माजिद रियाज साहब की गड्डी धो रहे हैं। गर्ज ऐसा है कि कंटेंट कैसे बनाएं, कंटेंट खुद ही मिल जाता है, मिजाज जुमा है तो जुमे के हवाले से कंटेंट मिल गया जी के अल्लाह पाक सब के लिए आसानियां फरमाए और सबको तौफीक दे के वो अल्लाह की राह में बल्कि अल्लाह के लिए बेहतरीन से अमल करते रहें, अल्लाह की रज़ा के लिए चलें, लोगों से बेहतरीन तरीके से मुलाकात करें, अल्लाह की रज़ा के लिए मिलें लोगों से, उनकी खैर खाही करें। जो हालात जो सर्कमस्टांसेस राइट नाउ चल रहे हैं बड़े मुश्किल से हैं, अल्लाह पाक सब के लिए आसानियाँ फरमाएँ। जुमे के बाद इंशाल्लाह ताला आपसे मिलते हैं जी व्यूअर्स। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जुमे की अदायगी कर रहा हूँ, जुमा अदा कर लिया है। तो मुझे माजी साहब ने कहा कि जाके ना पीछे ग्राउंड के अंदर हमारे यहाँ में एक ना स्विमिंग पूल है, ये देखें स्विमिंग पूल, कल की ना बारिश हुई हुई है तो मैंने कहा मैं चेक कर लूँ स्विमिंग पूल, सिर्फ वो थोड़ा सा पानी है वो साफ़ करवा देते हैं तो फिर इंशाल्लाह ताला ये भी मामला ठीक हो जाएंगे। एक्चुअली आपको भी पता है कि डेंगी वाले तो वैसे ही मौका दे वे अल्लाह। वो देखे जी हारून भाई दी ग्रेट, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, ठीक है। बड़े अरसे बाद यार आपकी मैं वीडियो बना रहा हूँ, कर की रहे हो, पैसे ले भी ला रहे हो, वाह जी वाह, की बॉस ने किया अज मैनू प्रेजेंट करी। हाँ जी एक्चुअली ना अरुण साहब ने
किस तरह करी? कापियां बना के देना उन्हें तानू, कोई नहीं सिर्फ तुसी दे रहे हैं उन्हें। तो जी जुमे की अदायगी हो गई है। एक्चुअली होता ये है कि सलाम पढ़ने का अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ा क्रेज है, तो सलाम वहाँ पर तो नहीं पढ़ सका। चलें एक शेर यहाँ पर पढ़ूँगा कि फरिश्तों की सलामी देने वाली फौज गाती थी, जनाबे आमिना सुनती थी ये आवाज आती थी, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। आका जी दिल की आस भी तुम्ही हो, दिल को रास भी तुम ही हो। आका जी दिल की प्यास भी तुम ही हो, दिल को रास भी तुम ही हो, या नबी सलाम। अल्लाह पाक सबके दिलों में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की मोहब्बत शामिल फरमाए। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक मुझे ऐसे ही रखे। क्रेज़ अल्हम्दुलिल्लाह नात शरीफ का भी और सलाम पढ़ने का भी। तो इंशाल्लाह ताला अभी व्लॉग एंड नहीं हुआ, थोड़ा बहुत अभी हम इंशाल्लाह ताला डिस्कशन करेंगे आजकल के हालात के बारे में, आज जुमे के बारे में। इंशाल्लाह अभी दोस्तों से भी मुलाकात करनी है, मैंने कहा चलें सलाम भी पढ़ लीजिए और सलाम भी पढ़ लेंगे, आप भी मेरे सलाम में जरूर शामिल हो जाइएगा। बस ये देखें मार्केट है ये मशीनों की, यहाँ पे मशीनें बनती हैं, मशीनों के सामान बनते हैं, मशीनें बनती हैं ये सारे। मैं इस टाइम पर ना यहाँ पर आ गया हूँ। एक्चुअली ऐसा है कि नमाज़ के लिए रुका हूँ, नमाज़ का टाइम हो गया था, दैट्स व्हाई मैं नमाज़ पढ़ने के लिए रुक गया। मैं कहा चले मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर, ये देखूँ यहाँ पे मशीनें वगैरह हैं। शायद आपको पता हो ये स्टेशन के पास है ये मार्केट, तो अब मैं दोबारा यानी कि घर की तरफ रवाना होने लगा हूँ। ये देखें जी छोटे से भाई हैं माशाल्लाह, मशीन ठीक कर रहे हैं। ये देखें मैं क्या चलें आपसे शेयर करें, बड़ी हैवी हैवी मशीन्स हैं ये जो रिपेयर की जाती हैं यहाँ। ये कौन सी मशीन है? जॉकी मशीन है। जॉकी, ओके, ये जो जापानीज होती हैं जापान की, ओके जॉकी की मशीन है जी। एक भाई वहाँ पर लगे हमारे, एक भाई माशाल्लाह ये हैं, इनकी बड़ी मेहरबानी, ये मुझे वीडियो बनाने दे रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। तो ये ओल्ड मशीन है, तो न्यू नहीं आती हैं, यानी कि यहाँ पर जितनी भी हैं वो रिपेयरिंग के ऊपर ही है, यानी कि ये जो पैक भी हुई है ये भी यानी कि सेकंड हैंड है। ओके ओके, बस ये हैं जी मेरे बेटे हजूर। लेकिन अभी रिवील करना, दिल करेगा तो रिवील कर दूंगा, नहीं तो अभी रिवील नहीं करूँगा। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का करम है। अच्छा क्या दाखिला लेना है? हाँ दाखिला ले लेंगे। आईटी कौन सी आईटी में लेना है? बी कॉम शी, ये ग्रेजुएशन दो सब्जेक्ट आई कम पार्ट टू वन से इंग्लिश और तो अच्छा आई कम मुकम्मल नहीं आया ना? नहीं एडमिशन दे दवा दूंगा ठीक है, लेकिन पेपर तब तक नहीं होंगे जब तक वो कर लेगा उसके बाद। वैसे इसी के साथ कैसर इफ्तिखार को नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाज़त दीजिए, फिर इंशाल्लाह ताला मुलाकात करेंगे मेरी बेटी के साथ। तब तक के लिए इस दुआ के साथ अल्लाह पाक आप पर करोड़ों रहमतों बरकतों का नज़ूल फरमाए। कैसर इफ्तिखार को नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।